सारे चार्ज की इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, अंतर वाला
उसको प्रोसेस करवाएगी फिजिकल एडॉप्शन या फिजिकल ऑप्शन। Thank you.
Thank you.
है और टेक्निकल बहुत तोड़ने में एनर्जी लगती है, एनर्जी देनी पड़ती है। ये बढ़ाना या बढ़ाना कैसे होता है?
decades. Yeah, 9.5 to 4 to the road.
कर पाओगे। और 60% लाने के लिए सेकंड सेमेस्टर में कितना करना पड़ेगा? 67%। तब दोनों का एवरेज कितना बनेगा? 60 बनेगा। एस डी 6.5 के आसपास है। तब 9.5 का मल्टीप्लाई करने पर 60 या 60.5 या 59.5 का आपको पता है कितना आ रहा है? 5×25
इसका दो चीज़ें लिखिएगा, कैटलिस्ट बनाइएगा अपना, तथा कैटलिस्ट अलग अलग फेज में होते हैं तो उसे हेटेरोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। एग्जांपल ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, एग्जाम्पल
होमोजेनस कैटालिसिस के रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही फेज में है, एक ही अवस्था में है, गैस फेज में वो भी है, गैस फेज में कैटलिस्ट भी है, ठीक है। हेटेरोजेनस एग्जांपल लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन, शुगर के मंदर, शुगर के मंदर, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन इन प्रेजेंस ऑफ शुगर केन सॉल्यूशन, शुगर केन सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
Thank you.
सरफेस पर जो कैटलिस्ट है, सपोज करके रिएक्शन है आपकी, हाँ पर आगे दोनों प्रेग्नेंट है, चिपक रहे हैं।
Yeah.
डिजाइन का नाम कहाँ सुना है? साइट होती है एंजाइम में एक्टिव
ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और ये आपका
Thank you.